एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। आदित्य की फ्लाइट टेक ऑफ करे उसे 40 मिनट पहले ही चेक इन करके किसी तरह तकरीबन छूट चुकी फ्लाइट उसने पकड़ी तो उसे अपने बगल की सीट पर सुनील मिला, जो दो ही हफ्ते पहले उसे एक दूसरी फ्लाइट में मिला था और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन सुनील आदित्य से मिलने आएगा ये कहने के बावजूद वो पहुंचा नहीं था उसके घर, और अभी भी कह रहा था कि जरूर पहुंचेगा जल्दी ही आदित्य के घर उससे मिलने। इसी बात का वास्ता देते हुए आदित्य ने उससे कहा, अरे भाई तूने पिछली बार भी कहा था कि तू आएगा पर आया ही नहीं। सुनील ने एकदम से उसकी बात काटते हुए कहा, अब की बार पक्का आऊंगा भाई। अच्छा ले, मैं कल ही शाम को आता हूं। तो बात पक्की रही, दोनों की फ्लाइट लैंड हुई, अपने अपने घरों की ओर दोनों निकल पड़े। और अगले दिन शनिवार होने की वजह से कुछ खास परेशानी भी नहीं होनी चाहिए थी। रात को सुनील भी तय वक्त पे आदित्य के घर पहुंचा और डोरबेल बजाने लगा। सुनील डोरबेल बजाते बजाते करीबन 5 मिनट रुका वहां, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बंद दरवाजे के हाल से लग रहा था जरूर आदित्य घर पे नहीं था। सुनील बस आदित्य को फोन मिलाने ही वाला था जब पीछे से एक औरत ने कहा, यहाँ कोई नहीं रहता, सालों से बंद पड़ा है। सुनील ने बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आदित्य को फोन मिलाया। उधर से आदित्य के फोन उठाते ही सुनील ने कहा, वाह भाई वाह, हमें बुलाकर खुद ही गायब हो घर से, हाँ? और यहाँ ये आंटी कह रही है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, कहीं भूत भूत तो नहीं है ना भाई तू कोई? आदित्य हंसता हुआ थोड़े अजीब से लहजे में बोला, अरे वो आंटी पागल है भाई, पड़ोस में ही रहती है, मैं तो बस नीचे तक थोड़ा चकना लेने आया था, बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ, तू वहीं रुक, मैं अभी आया। आदित्य दौड़ा दौड़ा हाथ में 2 बैग्स लिए हुए आया जिनमें थोड़ा बहुत खाने का सामान था, और उस आंटी की बात पे हंसते हंसते दोनों अंदर पहुंचे तो सुनील ने जूते उतार के सामने वाले रूम को देखा तो थोड़ा अजीब लगा उसे, क्योंकि पूरे रूम में कई सारे फ्लाइट्स के हैंडबैग के टैग्स फैले पड़े थे। वहीं से आदित्य से बोला, जो सोफे पर बैठा ड्रिंक बना रहा था, यार ये सब क्या है, पूरे रूम में टैग्स ही टैग्स फैले हैं, इतना ट्रैवल करता है क्या तू? आदित्य सोफे के पास से ड्रिंक बनाता हुआ हंसते हंसते बोला, अरे आजा सब बताता हूं, आराम से बताऊंगा सब कुछ, ड्रिंक बन गई है चल। दोनों ने बैठकर अपनी अपनी ग्लासेस टकराई और एक एक घूंट पिया। आदित्य इधर उधर की बातें करने लगा, हंसी मजाक चल ही रहा था जितनी देर में दूसरी ड्रिंक जब आधी खत्म हो गई तब कहीं जाकर आदित्य ने सुनील से कहा, तू पूछ रहा था ना उन हैंडबैग्स के टैग्स के बारे में, तो सुन ये उन सब के बैग्स के टैग हैं जिन्हें मैं एयरपोर्ट से यहां घर पे लाकर मार देता हूं। एक्चुअली मैं ऐसे ही घूमते फिरते हुए फ्लाइट में लोगों को चुनता हूं, फिर उन्हें मारकर उनकी डिटेल निकालकर घर पे निगरानी करके सही मौका देख के घर से भी सब साफ कर देता हूं। तेरी ड्रिंक में भी मैंने दवा मिला दी है, बस तकरीबन 30 सेकेंड और लगने हैं। अभी तो मजा ये है ना कि तू सुन तो पा रहा है लेकिन हिल डुल नहीं पा रहा है, देखता जा, बस यूं ही अभी 20 सेकेंड में बेहोश हो जाएगा तू। आदित्य ये सब बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। सुनील ने अपने ग्लास को बहुत ही आराम से सामने टेबल पर रखा और कहा, 20 सेकेंड हो गए हैं आदित्य, मेरे चुटकी बजाते ही अब तू बेहोश होगा, मैं नहीं। और सचमुच सुनील के चुटकी बजाते ही आदित्य पूरी तरह से बेहोश हो गया। एक कहानी ऐसी भी
प्रवीण के साथ। आदित्य की बेहोशी टूटी। आंख खुली तो उसने देखा कि एक टूटी कच्ची छत वाला उजड़ा सा मकान है जिसमें दरवाजे भी नहीं है। आवाजों से इतना समझ आ रहा था कि एयरपोर्ट पास ही है और हाईवे भी पास ही होना चाहिए था। आदित्य ने होश संभाल कर इधर उधर देखा। सुनील कहीं नहीं था और ना ही कोई निगरानी करने वाला या फिर ऐसा जो सुनील को बता सकता। आदित्य बिल्कुल सही सलामत था। ऊपर वाले का शुक्र मनाकर आदित्य उठा और बाहर भागा। और किस्मत अच्छी ही थी, बाहर निकलते ही सामने उसकी अपनी ही गाड़ी खड़ी थी। जरूर इसी में सुनील उसे यहां तक लाया होगा। गाड़ी की चाबी भी लगी हुई थी। आदित्य सुनील की बेवकूफी पर हंसा और गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत वहां से निकल पड़ा। एयरपोर्ट से तकरीबन 6 किलोमीटर खेतों के बीच से कच्ची पगडंडी से होते हुए आदित्य बस एक बार मेन रोड पे पहुंच जाता तो बस घर पहुंचना आसान हो जाता। लेकिन करीब 1 ही किलोमीटर गया था आदित्य जब अचानक ही सामने खेतों के बीच से निकलकर सुनील सामने आकर खड़ा हो गया और खेत के बीच में एक पेड़ से टकराकर गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और आदित्य बेहोश हो गया। आदित्य को इस बार जब होश आया तो उसे समझ आया कि पूरे बदन में एक्सीडेंट से काफी चोटें आई हुई थी। उठकर बैठने गया तो आदित्य के हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए थे और जब पानी मांगने गया तो बोल भी नहीं पाया। क्योंकि मुंह में उसके कपड़ा ठूंस कर रखा हुआ था। आदित्य चुपचाप वहीं पड़ा रहा। भूख, प्यास और बेइंतहा दर्द, इन तीनों के साथ साथ डर ने भी उसकी जान बराबर खा रखी थी। पूरी ताकत लगाकर सांस भी ले रहा था आदित्य, तो इतना दर्द हो रहा था जिससे वो मर जाता तो उसके लिए बेहतर था किसी बुरे सपने से आंख खुले और सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोच सोच के आदित्य अपनी किस्मत और अपने आप को कोस रहा था जब दूसरे कमरे से आदित्य के ही फोन के बजने की आवाज आई और फोन हाथों में लिए हुए मुस्कुराता हुआ सुनील सामने आया और उसने फोन उठाकर कहा, अरे प्रणाम आंटी जी। जी मैं आदित्य का बहुत अच्छा दोस्त हूं आंटी। वो सुनील जो है वो बाहर गया है आपके आने की खुशी में बाजार से जरा सामान लाने। मैं आपको लेने एयरपोर्ट आ जाता हूं। सुनील ने मुस्कुराते हुए फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर फोन को जेब में रखकर वहां से बाहर निकल गया। इधर आदित्य बंद मुंह से चीखने की कोशिश करता रहा और सुनील बाहर गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। आदित्य की आंखों में आंसू थे और दिल में डर, और वही डर सही भी साबित हुआ। कुछ ही देर बाद आदित्य की बेहोश मां को उसके सामने उसी कमरे में लाकर सुनील ने उसकी आंखों के सामने वैसे ही जंजीरों से बांधा, मुंह में कपड़ा ठूंसा और आदित्य को देखकर मुस्कुराता हुआ निकल गया और दरवाजे को बंद कर दिया। इन सब के बाद अगर कुछ रह गया था उस कमरे में तो वो थी आदित्य की खुटी हुई दबी हुई चीखें। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। रात हुई और दरवाजे के नीचे से एक खाने की प्लेट सरकती हुई अंदर आई। चलो कम से कम उस हैवान में इतनी तो इंसानियत थी।
कि कुछ खाने को दिया। आदित्य की मां बेहोश थी। आदित्य किसी भूखे जानवर की तरह प्लेट की ओर भागा और जिस चेन से आदित्य और उसकी मां बंधे थे वो जंजीरें इतनी लंबी नहीं थी कि वो प्लेट तक पहुंचते। खाने की प्लेट अभी भी तकरीबन 4 फुट दूर थी और दरवाजे के ठीक बाहर दूसरे कमरे में सुनील की हड्डियों को भी खौफ से थर्रा देने वाली हंसी गूंज रही थी। खाने की प्लेट को जब चाह कर भी उठा नहीं पाया तब कहीं अचानक उसकी बेबसी में और भी दर्द भरने को एक ख्याल आया कि प्लेट मिल भी गई तो खाएगा कैसे, क्योंकि उसका मुंह भी तो बंद है। उसी बेबसी, थकान और भूख प्यास से आदित्य को पता भी नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गया, और बेहोशी में ही उसे लगा जैसे अचानक उसके हाथ पांव सुन पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उंगलियों का भी वजन बहुत बढ़ गया था। बेहोशी में ही जितना थोड़ा बहुत होश था उसी में अपने बंधे हुए हाथ हिलाने की कोशिश की आदित्य ने, तो अचानक ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सुइयां चुभ हो दी गई थी उसके हाथों में और पैर भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। इतना याद था कि मुंह बंधा हुआ है तो गले से बस थोड़ी बहुत दबी हुई कराही ही निकल रही थी। कराहते हुए आंखें खोली तो अपनी आंखों से जो अपना ही हाल देखा आदित्य ने, उससे बचा खुचा रगों में दौड़ता खून भी सूख गया, क्योंकि उसके हाथों में हाथों की उंगलियों पर और पैरों में पैरों की उंगलियों में प्लेन में बैग्स में बांधे जाने वाले टैग्स कस के बांधे हुए थे और मजबूत रबड़ बैंड्स होने की वजह से जहां जहां टैग्स बांधे थे वहां वहां इतनी देर से बंधे होने की वजह से खून का दौड़ना रुक सा गया था। कहीं कहीं सूजन थी और कहीं कहीं जमकर नीला पड़ गया था। दर्द में जब अपने खुले मुंह से चीखने गया तो आदित्य चीख भी नहीं पाया और एक बड़ी ही अजीब सी डरावनी सी आवाज आदित्य के गले से निकलने लगी और दूसरी तरफ कमरे के दूसरे कोने में बंधी हुई आदित्य की मां को भी धीरे धीरे होश आ रहा था और वो भी दर्द से कराह रही थी। अपनी मां को ऐसी हाल में देखकर आदित्य उनकी मदद करने को उनकी ओर खिसट के जाने लगा तो फिर वही हुआ। अपनी किस्मत और कर्मों को ही गालियां दे रहा था इस वक्त आदित्य और बस मना रहा था कि मां को कुछ ना हो इस वक्त। दरवाजा खुला और सामने से सुनील आराम से सीटी बजाता हुआ आदित्य की मां की तरफ आने लगा। आदित्य वैसे ही बंधी जुबान में चीखने की पूरी कोशिश करता रहा लेकिन न तो चीख पा रहा था और ना ही ठीक से रो पा रहा था और उसकी आंखों के सामने सामने आदित्य की मां को सुनील घसीटता हुआ किसी जानवर की तरह दूसरे कमरे में ले गया और फिर
एसीपी प्रवीण के साथ। दूसरे कमरे से ऐसी चीखों के बीच आदित्य को उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ उसी का फोन वाइब्रेट होता दिखा, जिस पर लिखा था डैड कॉलिंग। यही मौका था। आदित्य फोन की ओर घिसटता घिसटता जाने लगा और वहां तक पहुंच भी जाता, क्योंकि जंजीर वहां तक पहुंच रही थी। लेकिन किस्मत बुरी होगी, और वो भी इतनी बुरी होगी, ये नहीं सोचा था आदित्य ने, क्योंकि उसके फोन को उठाने के पहले ही, अंकल जी प्रणाम, मैं आदित्य का दोस्त सुनील बोल रहा हूं। अंकल, आदित्य जरा सा बाहर गया हुआ है, उसने बताया था कि आप आंटी के आने के एक दिन के बाद में आएंगे, मैं आ जाता हूं आपको एयरपोर्ट पर लेने के लिए। सुनील आदित्य की गाड़ी और फोन लेकर उसके पिताजी को भी एयरपोर्ट से लाने निकल पड़ा। आदित्य एक बार फिर से इन सारे हादसों के कारण बेहोश हो गया, और काफी देर बाद कुछ आवाजों से उसकी आंख खुली। आंखें धीमे धीमे खोली तो देखा सामने आदित्य की मां और उसके पिताजी बेहोश पड़े थे, और सामने सुनील जमीन पे पालथी मार कर बैठा हुआ था। आदित्य अपनी उसी बुरी हालत में उठकर सुनील को मारने दौड़ा, लेकिन जंजीरों और उन प्लेन के टैक्स के रबर बैंड से बुरी तरह बंधा हुआ आदित्य जरा सा उठते ही वापस गिर पड़ा और उसी भयानक सी आवाज में रोने लगा। उसका रोना देख सुनील वहीं जमीन पर बैठा बैठा बोला, बहुत दर्द हो रहा है, माँ बाप के लिए बुरा लग रहा है, मुझे तो खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन मेरे माँ बाप भी ऐसे ही रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप को मैंने बता दिया कि उनका बेटा क्या है। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। तकरीबन 4 साल पहले आदित्य को सुनील एक फ्लाइट में ही मिला था, और अपनी दोस्ती के जाल में ऐसे ही फंसा कर उसने सुनील को अपने ही घर में जहर देकर मार दिया था। अपने मां बाप का इकलौता बेटा सुनील जब मारा गया तो उसके बारे में सब कुछ पता करके सुनील का दोस्त बनकर उसके घर में घुसा, और कुछ दिन में जब उसे वहां लोग बेटे की तरह प्यार करने लगे तो सुनील के बूढ़े मां बाप को एक ही रात, जब आदित्य गहनों और रुपयों पर अपना हाथ साफ कर रहा था तो खटपट सुनकर सुनील की मां जाग गई। पकड़े जाने के डर से उन्हें वहीं आदित्य ने छुरी से मार दिया था। आवाजें सुनकर सुनील के पिताजी जागे तो उन्हें भी बेरहमी से मार दिया। इतनी लूट, इतने लोगों का फायदा उठाया था आदित्य ने कि कईयों की शक्लें भूल गया था वो, और उन्हीं में से एक था सुनील। सुनील मुस्कुराता हुआ बोला, एक आखिरी मौका देता हूं, भाग सके तो भाग, चिल्ला जिसको बुलाना है बुला, मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर सुनील उठा और कमरे से बाहर निकल गया। आदित्य हांफते हांफते खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जबान पे बंधा हुआ टैग खुल चुका था और वो अब चीख सकता था, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, बचाओ
उसकी ऐसी चीखों को शायद किसी ने आसपास सुन लिया था, क्योंकि बाहर घास और सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। आदित्य और जोर जोर से चीखने लगा, या मैं हूं, या इधर इधर अंदर कमरे में हूं, मैं इधर अंदर कमरे में हूं। आवाज से समझ आया कि एक से ज्यादा लोग थे और कुछ ही देर में दरवाजा खोला और सामने से वो अंदर आए जिनको आदित्य मदद समझ के पुकारे जा रहा था। खेतों के पास के जंगलों में रहने वाले 6 भेड़ियों का एक झुंड था जिनके सामने 3 गोश्त के पुतले थे। 2 मर चुके थे और एक को उन्हें अब मारना था। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। कमेंट करना इमीडिएटली वीडियो के नीचे और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।